हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो IPPB से रिलेटेड है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से संबंधित है। IPPB की फुल फॉर्म क्या है? IPPB की फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नोटा पेमेंट बैंक, पेमेंट्स बैंक है। और पेमेंट बैंक से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपली पेमेंट में आपको पेमेंट्स जोड़ना है। तो जो चर्चा है वो क्या है? वो चर्चा है सिंपली वो है कि जो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत आपके जो डिजिटल सेविंग बैंक के जो अकाउंट खोले जा रहे थे, डिजिटल सेविंग बैंक्स के जो अकाउंट्स खोले जा रहे थे, उनको क्लोज करने से संबंधित जो चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास में डिजिटल सेविंग बैंक्स का अकाउंट है इंडिया पोस्ट वाला, आप उसे बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ₹150 प्लस GST देने होंगे। और ये जो चार्जेस हैं वो 5 मार्च 2022 से प्रभावी हो चुके हैं, यानी कि लागू हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ में जो आपका जो खाता है डिजिटल सेविंग बैंक्स वाला, वो बंद कर दिया जाएगा। और उसके लिए एक और कंडीशन है, वो ये है कि द चार्ज शैल बी एप्लीकेबल ऑन दी इन द केस द डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ 1 ईयर पीरियड ड्यू टू नॉन अपडेशन ऑफ KYC। सिंपली ये जो चार्जेस हैं, यानी कि डिजिटल सेविंग बैंक्स का जो अकाउंट्स है, इसे आप लोग घर बैठे खोल सकते हैं, ये सुविधा आपको दी गई थी। लेकिन इस खाते को किस कारण बस बंद होना है कि इस खाते में सिंपली क्या होता है कि KYC करवानी होती है विद इन 1 ईयर। और अगर कोई व्यक्ति विद इन 1 ईयर इसको KYC को नहीं करवा पाता है पोस्ट ऑफिस में जा करके, तो उस वजह से ये जो खाते हैं वो 1 साल के बाद में बंद हो जाते हैं और उन पर ये जो चार्जेस हैं वो लागू होते हैं। बात करें इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में, तो पहला है कि डिजिटल सेविंग बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोजर हो रहे हैं कब? अगर उनकी KYC 1 साल के भीतर अगर किसी ने नहीं करवाई थी, यानी कि अकाउंट ओपन होने से लेकर के 1 साल के अंदर अगर किसी ने KYC नहीं करवा पाई थी, तो ऐसे जो अकाउंट्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और उनसे जो चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं। सिंपली ऐसे खातों को बंद करने के लिए या बंद होने से बचाने के लिए ऐसे खातों की KYC है वो करवानी चाहिए। और इसके लिए कस्टमर को संबंधित या नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपको जाना चाहिए। बात करें डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर की, तो ऐसे खातों को जो कि डिजिटल रूप से खोले जाते हैं, घर बैठ के कोई भी कस्टमर खोलता है, इनको सिंपली आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। किस में? रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में। कब? 1 साल होने से पहले, यानी कि अकाउंट खोलने से लेकर के जो 1 साल का जो समय है उसके भीतर आपको ये जो ट्रांसफ़र है अकाउंट का या कन्वर्जन है अकाउंट का डिजिटल सेविंग बैंक के अकाउंट से रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपको कन्वर्ट करवाना है तो आप लोग करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको KYC है वो करवानी होती है और जो रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट पर जो सुविधाएं हैं उनका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो सिंपली जो चार्जेस हैं वो कितने हैं? 150 प्लस GST अगर किसी का डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट नॉन KYC यानी कि KYC अपडेट नहीं होने की वजह से अगर किसी का क्लोज होता है, तो उस पर 5 मार्च 2022 के बाद से ₹150 प्लस GST चार्ज है वो लिया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।